सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच देवी तं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी करोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुभिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्तस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुव छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा विद्यतां सप्तश्लोके दुर्गापाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती हिता बलानाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्थिता हरसिद्धि दिवसे जयन्तः स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखमयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाधजित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्रायिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते रोगानशेषा नभांसितुष्टा रुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताया शयतां वयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरीम् एवमेव त्वया कायम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शुनश्च कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सती साध्ये भव प्रीता भवानी भव मोदिनी आर्या दुर्गा जया जाद्या दिनताशूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महात्मा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपाजिदाजिनिः सर्वमङ्गमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नाभिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी
अपर्णानेकवर्णाच पाटलापादलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलबन्धेररञ्जनी अव्ययविक्रमाक्रूरा सुन्दरेश्वरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी जैन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा जैव वाराहि लक्ष्मी च प्रजागिरिः विमलाकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरिणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्ती च दण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी जैककन्या च केशवी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुग्धकेजी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रितपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलधरी शिवज्योती कराली च अनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयम् प्रभुते नित्यम् दुर्गा नाम सदाशिवम् आसाद्यम् विद्यते देवी तुषो लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायामयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्द्रे लभे मुक्तिञ्च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा सुरेश्वरीम् पूजय त्वया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् कस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासुताम् यान्ति राज्याश्रयमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रम् विधिना विलिख्य भवेत् सदाधार्यते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे षड्भिषाम् गते विलिख्या प्रभते स्तोत्रम् सभवे सम्पदाम्। ॐ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातराभिजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा विद्यते सप्तशती पारागद्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं विनाम् यण्डकस्य चिराज्ञानं तण्डे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं व्यक्त सर्वभूतापकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं दशभिश्च महामने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माधेति चतुर्थकम्
पंचमं स्कंधम आद्यते षष्ठम कात्यायने द्विजम् सप्तमं कालरात्रिते महागौरी द्विजाष्टमं नवमं सिद्धिरात्रिजा नव दुर्गा प्रगेदिताः उक्तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अभिनादयमानसो शत्रुमध्यगदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गता नाकेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणरङ्गने नावगं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि येषु भक्त्या स्मृता नूना तेषां विद्ये भजायते ये त्वां सरन्ति देवेति रक्षसेता न संशयः वेद संसातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगै समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी जिगवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विजवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यदामासना सर्वा सर्वयोगा समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नाभिशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्ते हलं चामुसलायुधं केटकं तोमरं जय परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामयाय च धार्यं चाशुलानेतं देवानां च हिताय मे नमस्यस्तु महारथे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्रायिमा देवि दुष्टश्च शत्रुनामयवर्धने राज्या रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतुहाराहि नैत्यां खर्गधारिणी प्रतिचां वारुणि रज्य वायभ्यामिगवाहिनी उदीचां वादुकौमारी एषा राजोलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रज्य अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशो रज्य चामुण्डाशववाहना या मे चाग्रता पादो विजया पादो वृषः अजिता वाम पाचयतु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदनी रज्य गुहामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुव रज्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये शङ्खघण्टा च नासिके शङ्खणी चक्षुषोर्मध्ये ज्योतिर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रज्य कर्णमूले च शाङ्गनी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च जल्लिका अग्रे च मृगला जिम्बायां च सरस्वती नन्दा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि च कुम्रक्ष भाजं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च वृषभं च धनोधरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलगोभरि स्कन्दो खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्यो दण्डनी रक्ष अम्बिकाजाङ्गलेषु च नगाञ्जुलेश्वरी रक्ष दुग्धो रक्षेश्वरी कणो रक्ष महादेवी मना शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो चुकामिनी रक्ष भूयं भुवेश्वरी तथा भूतना कामिका मेडं भुलमहिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबलानज्य सर्वकामप्रदायिनि दुर्भोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादाधस्तलवासिनि नकाङ्कशाकराले च केशांशेव दगेशनि रोमकूपेषु कौवेरि त्वदं भागेश्वरि तथा रक्तमक्षावसामाता नृत्यमेदान्ति पार्वती
अन्त्राणि काल रात्रे च वृत्तं धामकटेश्वरी पद्मावती पद्मकोश कभे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नखज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मेरज्य छायां शक्तेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान फुलानं च समानकम् वज्रहस्ता च मेरज्य प्राणं कल्याणशोभनाम् हृदय रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमक्षेण रक्ष नारायणी तदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मे च धन विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं गृहस्थानं वर्जितं कवचेन तु सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनि परमेकं न गच्छतु जये जय च ममात्मनः कवचेनादृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विराजार्वकामिकः जन्तरते कामं दन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मधुरं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश परायितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजा कवचेनामृता पुमान् इदं तु जेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापटे पयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां सद्यान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवे वर्षकरं साग्रं बहुमृत्यो विवर्जितः दर्शन् जीव्यादया सर्वे भूताभिस्वर्गादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्दयन्तानि भूतले भूचराखेचरा चैव शरीराशोपदेशिकाः सहजा कुलरामाला डाकिनीशाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतविशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेदाः कूष्माण्डाभैरवादयः दर्शन्ति दर्शनादस्य कवचेः संस्थिते मानोनिधि भवेराग्रस्तेजो विद्येकरं परम् यशसा वर्धते स्वामीकीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तषष्टिचन्ये कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्धो मण्डलं धत्ते झषे लवणगाननम् तावत्तिष्ठति मे जन्या सन्दधे पुत्रपातके देहान्ते परमस्थान यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्या महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुजवछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयुवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमाशिवादाते सदा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्ड्य जय भूतादिहारिणि जय सर्वकृते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैलभित्रादि विलाते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाते भक्तानां सुकृते नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रथवीरावरे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि
रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि शुंभस्य वनशुंभस्य धुम्नायस्य चमर्दिनी रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि पतितांगृहे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि अजन्तोपचरित सर्वशतोविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि नदव्या सर्वकालव्या चन्द्रिगेनरितापहे रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि सुभद्रो वक्षिभवन्तो चन्द्रिगेव्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि चण्डिके सर्वसंजेतो मज्जयन्ति हवक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि विदेहि दिशुदाम्नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशयं रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि सुरासुरशिरोरत्ता निकृष्टजैनम्बिके रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि विद्यावन्तं जटस्वन्तं लक्ष्मीवन्दयनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि प्रचण्ड चैत्य सर्वज्ञे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि चतुर्भुजे चतुर्भत्र संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि कृष्णेन संसुते देहि षष्ठ भद्यासलाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि हिमाच सुधानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि इन्द्राणि मदि सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि देवि प्रचण्ड दोदण्ड दैत्य धर्माविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि देवि भक्तयनोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जटा देहि दिशा जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोभृत्तानुसारिणीं कारिणी दुर्गसंसार सागरस्य अग्राध्वमाम् इदं स्तोत्रं पठे त्वादो महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती संख्या परमापनोति संपदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्ठलछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यताम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै पारकण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय दिव्यदेव्यचक्षुषे श्रेयापदातिनिमित्ताय सोमाद्धारिणे सर्वभेदद्विजानीय मन्त्रानामभिकीलकम् स्वाभिक्षेमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु जातधारिणे वर्तूरे सकलान्नपि एतेन सुवतां देहि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रा न जलं दत्ता न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुज्जाननादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदं शुभम् स्तोत्रवेजन्निकायास्तु तज्जगुप्तं जगासः समाप्तिर्न च पुण्यस्य दायधावन्नियन्त्रणाम् स्वविक्षेमम् आप्नोति सर्वमेवं न संशयः
कृष्णाया वाचरोदस्यामष्टम्यावासमायितः ददाति प्रतिगृह्णादेनानदेशाप्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीला विरायेण नित्यं जपति संस्वरम् सा सिद्धा सगणा स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवासर्तस्य भयं कापि हजायते नापवित्रवशं जाते मृतमोक्षामुवाप्नुयात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणा विनश्यति ततो ज्ञादेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवदेहि सौभाग्याधिकयज्ञञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं दत्तदानेन तेन याप्यमिदं शुभम् क्षणे सूयप्यमानेऽस्मि स्वस्ते सम्पत्तिरुद्युगैः प्रवक्तेन समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं दत्तदानेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते साणगं जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दजिरोदिनि वासिनि वेदविलासिनि जेष्णुते भगवति यज्ञि कण्डकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते भोजनि शङ्कर दोषिनि राजिनि जय जय हे वर्षासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते हय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वरदेयवासिनिहासरते शिखरि शिरोमणि दुङ्करिमालय शिङ्करिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभगञ्जनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि जगण्ड विगण्ड तरुण्ड विदुण्ड शुण्ड गजाधिपते त्रिभुगजदण्ड विदारण दण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजबुधदण्ड निपातित गण्ड विपादित मण्डवदाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि रण दुर्मद शत्रुभगोदित दुर्धर निर्धर शक्तिमृते चतुरविदारणे नमः शिवदोषकृता प्रमदाधिपते दुर्गदुहि न दुराजय दुर्मदि दानवदोषकृतमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि शरणागत वैरवधो भयदायिकरेक शोल विरोधिरोधितामन शोल करे नोमि नोमि तामर दुन्दुमिदामोमकरे कृतमकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि निजं श्रीमात्रनिराधिनधं प्रविलोचनधं प्रचले शिव शिव शुम्बन शुम्बमहावतारिलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते
Shiva,
भक्तियाँ अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी देयान्ते समया दासोऽयमिति मामत्वा समस्त परमेश्वरे आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनः पूर्णां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे मन्त्रेण क्रियायेण भक्तिः अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं।
हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता सदा जयकारा शेरा वाली जीदा मूल सच्चे दरबार के जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो अवश्य में पूर्ण होती हैं वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ती हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्तगण माता जी के दरबार में लेके आते हैं वे अवश्य में पूर्ण होती हैं। एवं अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम ये जनाः भजुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो भक्तजन अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योगक्षेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ, श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं। एवं भवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगता परिपालनम्। ये भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। ते तन मोहिते विश्वम सेव विश्वम प्रसूयते सा जाजिता विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम पे अच्छी। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं सुविधि प्रदान करती है। व्याप्तम ते तत् सगलम ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सेव काले महामारी सेव सृष्टि भक्त्या स्थितिम करोति भूतानाम सेव काले स्नातनी। वे समय समय पर महामारी होती और भी स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे स्नातनी देवी ही समय अनुसार समूह भूतों की रक्षा करती है। भव काले निनाम सेव लक्ष्मी वृद्धि प्रदाग्रहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशाय जायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। इसलिए भक्तों चाहिए कि स्तुता संपूजिता पुष्पेर धूपगंधादि विस्तथा ददादि वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभम। पुष्प धूप और गंधादि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। सचिया जोता बाल माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्त पर नहीं सब देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उन सभी के सभी कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। प्राचीन काल में देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के प्रजापति थे जो देवताओं का कार्य करने में अति कुशल थे, परंतु किसी कारणवश वो इंद्र से द्वेष रखते थे। अतः उन्होंने तीन सिरों से युक्त एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने त्रिशरण रखा। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। पिता त्वष्टा ने उसको ब्रह्मा जी की आराधना करके बल प्राप्त करके इंद्र का वध करने के लिए प्रेरित किया। त्रिशरा संयम पूर्वक निराहार रहता हुआ ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा जिससे इंद्र भगवान का सिंहासन डोल गया और उन्होंने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु जब वो इस पर सफल नहीं हो पाए तो स्वयं इंद्र भगवान ने आकर के अपने तीव्रगामी आयुध वज्र द्वारा त्रिशरा का वध कर दिया, जिससे पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए और उन्होंने पुनः अथर्ववेद
के मंत्र द्वारा होम करके एक और पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने बित्तासुर रखा। बित्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का ऐरावत हाथी छीन गया। यदि पिता त्वष्टा से प्रसन्न हो गए परंतु उन्होंने और शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र बित्तासुर को ब्रह्मा जी की आराधना करने का परामर्श दिया। बित्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना की और आशीर्वाद के रूप में अवध्यता का वरदान प्राप्त कर लिया, अर्थात वो न अस्त्र से मर सकता है, न शस्त्र से, न दिन में न रात में। और इस प्रकार वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसने सभी देवगण चिंतित हुए और वह ब्रह्मा जी को, शंकर जी को साथ लेकर के वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार बित्तासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है, उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, इसलिए महाराज उसके वध का कोई उपाय करो। उससे भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि बित्तासुर को अवध्यता का वरदान प्राप्त है, वो न अस्त्र से मर सकता है, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, इसलिए उसको छल कपट द्वारा ही मारा जा सकता है। उससे हमको संधि कर लेनी चाहिए और फिर ऐसा कि उसकी बुद्धि मोहित हो हमें दुर्गा माता जी की आराधना करनी चाहिए। सभी देवगण माता जी की आराधना करने लगे और स्वयं इंद्र भगवान ने उसके साथ मैत्री धारण कर ली। कभी वो नंदन वन में विहार करते हैं, कभी समुद्र के किनारे। एक दिन संध्या के समय जब दोनों विहार कर रहे थे तो इंद्र के मन में आया कि ये संध्या का समय जो है ये न दिन है न रात है, इसी समय इसका वध किया जा सकता है, परंतु ना ये अस्त्र से मर सकता है न शस्त्र से, अब क्या करूं। तो उसने अपने वज्र को समुद्र के फेंट से आलोकित कर दिया, स्वयं भगवान विष्णु उसमें अंश रूप में प्रविष्ट हो गए और दुर्गा माता का ध्यान करके बित्तासुर फेंका जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपने दूसरे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन के पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए और उन्होंने इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप दे दिया, जिससे वो उसको ब्रह्म हत्या लग गई और वो इससे बचने के लिए मानसरोवर में जो कमल के नाल में छुप कर रहने लगे। और उधर स्वर्ग में इंद्र के ना होने से अराजकता फैल गई, स्वर्ग भयावह शून्य हो गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर के राजर्षि नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। ये दूसरा राजा यद्यपि धर्मात्मा थे परंतु वो स्वर्ग की राजसी वृत्ति के कारण वो शची इंद्राणी पर विषासक्त हो गए। शची पहले ही अपने पति के वियोग में दुखी थी, जब उसने देखा कि दूसरा राजा मुझ पर विषासक्त है, वो गुरु बृहस्पति की शरण में गई और गुरु जी ने उसको दुर्गा माता जी की आराधना करने का परामर्श दिया। उसने माता जी की आराधना की, माता जी ने उसको दर्शन दिया और अपनी एक दूती को साथ भेज करके स्वर्ग में इंद्र के दर्शन कराए, पति के दर्शन कराए। उस समय शची ने अपनी सारी विपत्ति से पति को अवगत कराया। इंद्र ने उसको परामर्श दिया कि शची मैं तुझको एक युक्ति बता रहा हूँ, तू नहुष से मिलना और उसको कहना कि महाराज मैं आपसे एकांत में मिलूंगी, परंतु आप ऐसे विलक्षण वाहन पर आइए जिसका वहन दिव्य ऋषि कर रहे हूँ। उसकी बुद्धि को माता जी मोहित कर दिया था, उसने दिव्य ऋषियों को पालकी का वहन करने में लगा दिया, स्वयं इसमें बैठ गया। जहां तक कि उसने अगस्त ऋषि के सिर को अपने पांव से छुआ और सर्प सर्प कहा। अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दे दिया और वो सर्प बन गया, अर्थात इंद्र पद से च्युत हो गया और इंद्र भगवान को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ज्ञानी का तात्पर्य केवल यही है कि हम भक्ति नहीं, स्वयं देवता भी आप गौर संकट बढ़ जाते हैं, वे भी इन्हीं की आराधना करते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी शक्तियों से संपन्न होते हुए जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। कलो ही चंडी विनायको, शास्त्रकार ने पूर्व वर्णन कर दिया है कि कलिकाल में जो भक्त हैं दुर्गा माता चंडी या गणपति की आराधना करेंगे उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होंगी। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयु के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप से केवल यही विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपरा के तीन स्वरूप और इनके चरण से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का
विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐंग के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐंग ऐंग अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐंग ओम अथवा ओम ऐंग सरस्वती नमः, इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीम के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश वेश में स्मृतिमान प्राप्त होता है। और क्लीम के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी द्वार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्छे। 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चले। क्योंकि इनमें से एक की भी कमी होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती। केवल हमारे पास धन ही है, विद्या नहीं है, तो विद्या के बिना जान नहीं पाएंगे कि धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। और केवल विद्या ही है, धन नहीं है, तो पांडित्य निवेश होते तो बिना लक्ष्मी पंडिताएं भी लक्ष्मियां छुड़ाने देती, और शक्ति बिना दोनों वस्तुओं का मिलना दुर्लभ है। अतः जो तीनों शक्तियां हमें स्वतः प्राप्त हों, हमें कलिकाल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं, सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपनी मधुर बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। माँ सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी, कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी, जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी, जय जय माता रानी, माता रानी। जब सर पे तेरा हाथ है, सर पे तेरा हाथ है, सर पे तेरा हाथ है। हर दुख में हर संकट में मैया तू हमारे साथ है, मैया तू हमारे साथ है, मैया तू हमारे साथ है। तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानिए, तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानी।
सच्चा तेरा दरबार माता रानी है। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी है। करते दया की एक नजर एक बार माता रानी है। करते दया की एक नजर एक बार माता रानी। एक तो नहीं लाखों जहां आए बनाकर टोलियां आए बनाकर टोलियां आए बनाकर टोलियां। अपनी जुबा खोले बिना भर भर गए हैं झोलियां भर भर गए हैं झोलियां भर भर गए हैं झोलियां। हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानिए। हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ममता का एक सागर बने ममता का एक सागर बने ममता का एक सागर बने। पत्थर कई हीरे हैं मातर को छूकर तेरे बने दर को छूकर तेरे बने दर को छूकर तेरे बने। जन जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानी। जन जन पे है तेरा बड़ा माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता जय जय माता जय जय माता रानी। जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी जय जय माता रानी। जयकारा शेरोवाली जी का बोल सच्चे दरबार की। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। 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 हम बे माँ बड़ी दयालु हो। हम पे माँ बड़ी दयालु हो। हम पे माँ बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। हम पे माँ
दयालु अम्बे माँ बड़ी दयालु अम्बे माँ बड़ी दयालु हमें तो बस तेरा सहारा है 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 और नहीं कोई हमारा 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 है अम्बे माँ बड़ी दयालु हो अम्बे माँ बड़ी दयालु हाँ मैया जी तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु तेरा यश गाया वेदों ने तेरा यश गाया वेदों ने पार नहीं पाया वेदों ने पार नहीं पाया तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु हो अम्बे माँ बड़ी दयालु हो अम्बे माँ बड़ी दयालु अम्बे माँ बड़ी दयालु हो अम्बे माँ बड़ी दयालु माँ तुम्हारा भक्ति का दान मिले मैया माँ तुम्हारा नाम मिले मैया तुम्हारा नाम मिले मैया भक्ति का दान मिले मैया भक्ति का दान मिले मैया सुबह और शाम मिले मैया सुबह और शाम मिले मैया सुबह तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु हो मैया जी तुम बड़ी दयालु हो अम्बे माँ बड़ी दयालु हो अम्बे माँ बड़ी दयालु हो दुर्गे माँ बड़ी दयालु हो दुर्गे माँ बड़ी दयालु और सब झूठी माया सब झूठी माया है मैया जी मुझे क्यों बिसराया है मैया जी मुझे क्यों बिसराया है और सब झूठी माया है और सब झूठी माया है मैया जी मुझे क्यों बिसराया है मैया जी मुझे क्यों बिसराया है दास तेरी शरण में आया है दास तेरी मैया जी तुम कहो
सच्चे दरबार की जय। एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा श्री राम वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। तो बोलाय अम्बे कह के वो आ जाए, तो बोलाय अम्बे कह के वो आ जाए, तो बोलाय अम्बे कह के वो आ जाए, तो बोलाय अम्बे कह के वो आ जाए। मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाए, तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी, ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी, ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी। तो बुलाय अम्बे कह के बुआ जाए, तो बुलाय अम्बे कह के बुआ जाए, तू बुलाय अम्बे कह के बुआ जाए, ओ तो बुलाय अम्बे कह के जाए। दुनिया की झूठी आशाओं को छोड़ दे, दुनिया की झूठी आशाओं को छोड़ दे, मतलब की दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दे, मतलब की दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दे, मन को जगदम्बे के चरणों में जोड़ दे, मन को जगदम्बे के चरणों में जोड़ दे, तेरी सब आशा दारी पूजा जाए, हो तेरी सब आशा दारी पूजा जाएगी। तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाएगी, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, ओ तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाएगी। श्रद्धा भक्ति से ना के जो तू गुण गाएगा, श्रद्धा भक्ति से ना के जो तू गुण गाएगा, भाव तेरे दिल का पूरा हो जाएगा, भाव तेरे दिल का पूरा हो जाएगा, जो तू मांगेगा वह निश्चय ही पाएगा, जो तू मांगेगा वह निश्चय ही पाएगा, तेरी रग रग में शक्ति समा जाए, ओ तेरी रग रग में शक्ति समा जाएगी, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाएगी, तू बुलाय अम्बे कह के वो कह के वो आ जाएगी। उसका दर छोड़ कर ना भटक दर बदर, उसका दर छोड़ कर ना भटक दर बदर, वो तो उजड़े बसा देती है लाखों घर, वो तो उजड़े बसा देती है लाखों घर, अम्बे की शक्ति से ना तो हो बेखबर, अम्बे की शक्ति से ना तो हो बेखबर, वो जो चाहेगी करके दिखा जाए, वो जो चाहेगी करके दिखा जाएगी, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, वो तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाएगी, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, वो तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाएगी। माही बच्चों की बिगड़ी बनाया करे, ओ माही बच्चों की बिगड़ी बनाया करे, दुख मिटाया करे सुख पहुँचाया, दुख मिटाया करे सुख पहुँचाया करे, याद जब भी करे भक्त आया करे, ओ याद जब भी करे भक्त आया करे, क्या कहूँ क्या क्या चक्कर चला जाए, ओ क्या कहूँ क्या क्या चक्कर चला जाएगी, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, ओ तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाए, ओ तू बुलाय अम्बे कह के वो आ जाएगी। हो मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी, ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी, ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी, मैया तेरी भी बिगड़ी
सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला मिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊं भाई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला मिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊं भाई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला मिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊं भाई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ कौरव का नाश दिया कौरव दल में पांडव के हित धन कौरव का नाश किया शुभ भक्त सहलाद भक्त माई सेवा में दिन रात खड़े सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ आज उजाला
सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। एक घंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे नाम बिना ते सानू कौन गरीब नू जान दाए मां तेरा नाम लेके लंग पार जावा मां सानू आसरा तेरे नाम दाए मां सानू आसरा तेरे नाम दाए। प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू वाली माता भगतो मेरा वाली माता मेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता शेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता मेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता ओ शेरां वाली माता भगतो मेरा वाली माता शेरां वाली माता भगतो मेरा वाली माता ओ शेरां वाली माता भगतो मेरा वाली माता वाली माता भगतो मेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता। भगती दी लाज बचाई रखदी ओ मेरी शेरां वाली माता भगती दी लाज बचाई रखदी ओ मेरी शेरां वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता भगतो मेरा वाली माता मेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता भगतो शेरां वाली माता मेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली प्यारी लगदी ओ मैनू शेरां वाली माता मन्ने
ने मन्नेया मां सेवका ने मन्नेया तैनू ता माता है ना सेवका ने मन्नेया तैनू मैं माता है ना सेवका ने मन्नेया भगती दा रंग चढ़ाई रखती ओ मेरी शेरा वाली माता भगती दा रंग चढ़ाई रखती ओ मेरी शेरा वाली माता ओ भगती दा रंग चढ़ाई रखती ओ मेरी शेरा वाली माता मैनू शेरा वाली माता ओ शेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता ओ शेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता तैनू ता माता ए ना बच्चियां ने मन्नेया तैनू मैं माता ए ना बच्चियां ने मन्नेया ओ तैनू ता माता ए ना बच्चियां ने मन्नेया तैनू ता माता ए ना बच्चियां ने मन्नेया बच्चियां ने मन्नेया मां बच्चियां ने मन्नेया या बच्चियां ने मन्नेया ओ बच्चियां दा मान बधाई रखदी ओ मेरी शेरा वाली माता बच्चियां दा मान रखदी ओ मेरी शेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता शेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता ओ शेरा वाली माता भगतो मेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता तैनू ता माता ए ना पुजारियां ने मन्नेया तैनू ता माता ए ना पुजारियां ने मन्नेया तैनू ता माता ए ना पुजारियां ने मन्नेया तैनूए माता ए ना पुजारियां ने मन्नेया 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 पुजारियां ते मेरा गरसाई रखदी ओ मेरी शेरा वाली माता पुजारियां ते मेरा गरसाई रखदी ओ मेरी पुजारियां ते मेहरा बरसाई रखदी ओ मेरी शेरा वाली माता पुजारियां ते मेहरा बरसाई रखदी ओ मेरी शेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता ओ शेरा वाली माता भगतो जोता वाली माता ओ शेरा वाली माता भगतो जोता वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता ओ प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता प्यारी लगदी ओ मैनू शेरा वाली माता Thank you.
ਦੇਵਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਮਾਂ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਮਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾ ਜੋ ਤਾ ਜਵਾਲਾ ਮਈਆ ਖੇਡਦੀ ਜਵਾਲਾ ਮਈਆ ਖੇਡਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਲ ਮਾ ਜਵਾਲਾ ਮਈਆ ਖੇਡਦੀ ਜਵਾਲਾ ਮਈਆ ਖੇਡਦੀ ਜਵਾਲਾ ਮਈਆ ਖੇਡਦੀ ਜਵਾਲਾ
शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल वसंत ऋतु वैशाख मास के आज दो प्रविष्टे हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष आज दशमी तिथि है। दशमी आय प्रातः 7:08 तक है। तत्पश्चात एकादशी तिथि है और आज ही एकादशी तिथि का खेवी है। अतः आज केवल स्मार्त पक्ष वाले ही एक काम का एकादशी का व्रत करेंगे, परंतु वैष्णव संप्रदाय वालों का काम का एकादशी व्रत कल होगा। सोमवार तदनुसार 15 अप्रैल 2019 के दिन
दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृ भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्तु मित्ता नाम उदयस्तव शीर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पे आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम को निज दिन जावत मैया को निज दिन जावत हरि ब्रह्मा विवरी। ओम जय अम्बे गौरी भाग से दूर विराज को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र भगन देखो। ओम जय अम्बे गौरी अनक समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंकन पर भाजे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राज पर धारी भैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी। ओम जय चंद्र दिवाकर चंद्र दिवाकर जत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विदार महिषासुर घाती भैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिन मधमासी। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहार शोणित वीर हरे भैया शोणित वीर हरे साधु के दभ दो मारे साधु के दभ दो मारे दुर भय ही गाव
सिद्ध करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराज अगर कपूर बाती भैया अगर कपूर बाती काल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत होगी रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कुछ सित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी भगवान चित बल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय बोल सच्चे दरबार की जय मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के बंदे मैं अब तोड़ कर सारी दुनिया के बंदे तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ बिना ज्ञान के हो गए कर्म काले बिना ज्ञान के हो गए कर्म काले मैं करने को शुद्धि करण आ गया हूँ मैं करने को शुद्धि करण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तेरा अंश हूँ मैं तुम्हीं से हूँ बिछुड़ा तेरा अंश हूँ मैं तुम्हीं से हूँ बिछुड़ा गुनाह करने की करण आ गया हूँ गुनाह करने की करण भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ न हूँ पाप का पुंज तुम तेज राशि मैं हूँ पाप का पुंज तुम तेज राशि पापों का करने दहन आ गया हूँ मैं पापों का करने दहन आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारे चरण कष्ट पतितों को पाव तुम्हारे चरण कष्ट पतितों को पावन तुम्हारे चरण आ गया हूँ मैं छूने तुम्हारे चरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भा...
गगन चूमते ऊंचे पर्वत तुम्हारे, चढ़कर चढ़ाइया कठिन आ गया हूँ, चढ़कर चढ़ाइया कठिन आ गया हूँ, भारी भवानी चरण आ गया हूँ, भारी भवानी चरण आ गया हूँ, तेरे नाम की सारी दुनिया में चर्चा, तेरे नाम की सारी दुनिया में चर्चा, नाम करने स्मरण आ गया हूँ, तेरा नाम करने स्मरण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी चरण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी चरण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी चरण आ गया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे, तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी, सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना, प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, कहे बेला जय माता दी, दादा बेला जय माता दी, हाथ मिला जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मेरा कदी जय माता दी, झोलियां भरती जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, सोलाया ने जय माता दी, मोटा भरती जय माता दी, वीर देनी जय माता दी, लाल देनी जय माता दी, पानी सुनिया जय माता दी, उसकी बोलो जय माता दी, हाथी बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चूड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदिरा वाली जय माता दी, गलिया वाली जय माता दी, खटिया वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, जय माता दी, कल्याणी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, बिंदी रानी जय माता दी, वैस देवी जय माता दी, मामा काली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गर्जित वाली जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोलाया जय माता दी, हंस द्वारी जय माता दी, विद्या देवी जय माता दी, ज्ञान देवी जय माता दी, बुद्धि देवी जय माता दी, भक्ति देवी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जय अम्बे, 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 सचिया जोता वाली माता तेरी सदा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जहि, यशो देही दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनाथ, शरणागत दीनाथ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी
परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना
समझ जाओ, आवाज नहीं आई। आप सबको माता रानी जी का आरती का आनंद आया, पीछे भी आया आनंद आपको? आवाज नहीं आई एक साथ आनंद वाली। सभी को माता रानी जी की आरती का आनंद आया, पूरा सारे जने देख रहे हैं, सारे जने ऐसा आनंद आएगा तो कहां बैठना था, पूरे जोश के साथ।
जगत जननी माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबारी मेरी जो एक एक के पास आवाज गई, आपकी आवाज किसी किसी पूरी गूंज के साथ लहर के साथ बोलो सच्चे दरबारी बोलो सच्चे दरबारी आशीर्वाद जय माता दी। जय छोटी छोटी जी कैमरा भी चल रहा है, बात नहीं, हमने आपसे मिलना था, जय माता प्रसाद मिलना था, इससे बड़ी है जय माँ। नहीं इसको नहीं करो ऐसे कूलर सबसे लास्ट हो, सबसे पहले आपको तो फिर अब तो उसको सारे दिन पहले के बैठे थे, लेकिन अब तो पहले बैठे यही माता रानी का कृष्ण है। क्या नाम है आपका? है कौन सी क्या नाम है? इसलिए रोड अच्छा नहीं यार, कभी तो आप ही रोज के लिए नहीं आपको आपका जाना है वाली जाती है सारी रहती माता जी आप रोए सभी आए थे गौरी नारायण नमस्कार
بدام بھی